ठीक है, थर्मल रजिस्टर हमारे दो तरह के होते हैं। आपको पहला होता है पीटीसी, दूसरा होगा एनटीसी। एनटीसी और पीटीसी रजिस्टर, ठीक है। अब एनटीसी पीटीसी जो रजिस्टर हमारे, जैसे आपने पहले रजिस्टर के सिंबल देखे हैं, तो जहां पे थर्मल होगा उसका सिंबल किस तरह का होगा, ठीक है। रजिस्टर का जो सिंबल होगा, थर्मिस्टर का जो सिंबल होगा, वो आपको सिमेट्रिक पे किस तरह का दिखेगा। देखिए, नॉर्मल रजिस्टर जो हमारा होगा उसका सिंबल आपको सिस्टमेटिक पे इस तरह का होगा, ठीक है, या इस तरह का होगा, बॉक्स बना के इधर से इस तरह से लाइन जाएगी। ये सिंबल होता है आपके नॉर्मल रजिस्टर का। लेकिन अगर वो थर्मिस्टर है तो आपको वहां पर इस तरह से एक जेट का टाइप का बना होगा ऐसा। अगर रजिस्टर पे ऐसा क्रॉस है, मतलब वो आपका थर्मिस्टर है। आप उसके आइकॉन को देख के पहचान जाओगे अगर इस तरह से निशान बना हुआ होगा। थर्मिस्टर पे आपको हमेशा इस तरह से क्रॉस बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये होता है आपके थर्मिस्टर का सिंबल। जो डिनोटेड लेटर होता है, जैसे कि किस अल्फाबेट से थर्मिस्टर को डिनोट किया जाता है, जैसे हमने रजिस्टर को देखा था, रजिस्टर में हमारा आर था, ठीक है ना। थर्मिस्टर के लिए आपको टी का यूज होगा, या आपको टी एच का यूज होगा, या आर टी का यूज होगा, ठीक है। इस तरह से आपको वहां पर लिखा होगा, थर्मिस्टर के लिए टी यूज होगा, टी एच यूज होगा, या आर टी करके वहां पे यूज होता है। कहीं पे टी आर भी होता है, टी आर भी आपको लिखा हुआ होगा, मतलब थर्मल रजिस्टर। तो ये तो आपको डिनोटेड लेटर और सिंबल। जब हम स्टेमेटिक में देखते हैं तो थर्मल रजिस्टर हमें इस तरह से दिखता है। अभी मैं दूसरा यहाँ पे लेता हूँ। सर, पीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीटीसी का फुल फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अभी आपको पीटीसी का पता लगा, एनटीसी सिंबल पता लगा, और इसका डिनोटेड लेटर पता लगा, ठीक है। अब हम आते हैं थर्मल रजिस्टर का काम किस तरह से। नामदेव जी म्यूट कीजिए, सब लोगों को बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है? अभी परमानेंट म्यूट कर दूंगा, फिर कोई बोल नहीं पाओगे पूरी क्लास में। अगर किसी का कुछ सवाल भी हुआ तो रह जाओगे। ठीक है, तो हमारा पीटीसी रजिस्टर या एनटीसी थर्मल कोई भी होगा, चाहे पीटीसी होगा चाहे तो एनटीसी होगा। अभी क्लास में किसी ने बोला था एलवीआर या एचवीआर होगा, नहीं, थर्मल रजिस्टर हमेशा एचवीआर ही होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। थर्मल रजिस्टर कभी भी एलवीआर नहीं होता, लो वैल्यू रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है सर। जी सर, बोल रहे थे पीटीसी बोले ना सर, पीटीसी पॉजिटिव थर्मल, क्या बोले सर, पॉजिटिव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट, ठीक है सर, ठीक है। अब हमारा है पीटीसी, चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम पीटीसी, पीटीसी रजिस्टर। आपको जो रजिस्टर होगा, पीटीसी रजिस्टर का वर्किंग किस तरह से होता है,
ठीक है, पीटीसी रजिस्टर हमारा किस तरह से वर्क करता है। अर्जुन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही आ रही है। आप बार बार माइक अनम्यूट कर देते हो, कुछ बोलना है तो बोलो, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रही है आपकी साइड से। नहीं सर, खुद ही हो रहा है सर, वो ऑटोमेटिक हो रहा है सर। खुद ही कैसे ऑटोमेटिक, तो मतलब आपने मोबाइल को जेब में रख रखा है? नहीं नहीं सर, मैंने माइक में रखा है। तो देखिए थोड़ा सा, या फिर ईयरफोन जो लगा रखे हो ना, ईयरफोन के माइक में प्रॉब्लम है। आप ईयरफोन चेंज करोगे ऑटोमेटिक वो तो अनम्यूट हो रहा है। एयरफोन तो लगाया सर मैंने। तो वो ईयरफोन को आप चेंज करो अगर ऑटोमेटिक वो हो रहा है तो। चलिए, अभी हमारा पीटीसी रजिस्टर है, हमने बोला हमारा जो थर्मल रजिस्टर है वो हमेशा एचवीआर रजिस्टर ही होगा, ठीक है, हाई वैल्यू रजिस्टर ही होता है। अब जो हमारा पीटीसी होगा रजिस्टर, दो थर्मल रजिस्टर का काम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। थर्मल रजिस्टर आपके बोर्ड के टेम्परेचर को सेंस करता है, मतलब थर्मल हमारा टेम्परेचर सेंसिंग रजिस्टर है, करंट सेंसिंग नहीं, ठीक है। टेम्परेचर को सेंस करेगा और हेमंत भाई आप को होस्ट हो, अर्जुन जी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब इनका माइक ऑटोमेटिक अनम्यूट हो रहा है। जी सर, एक बार आप ध्यान दें। हाँ जी जी, ठीक है। अभी जो थर्मल रजिस्टर है हमारा, उसका काम क्या होता है, वो आपके बोर्ड के टेम्परेचर को सेंस करता है और उसके इंफॉर्मेशन आपके सीपीयू को देता है, ठीक है। थर्मल रजिस्टर मान के चलिए एक कोई भी सेक्शन है, ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, ये हमारा एक बोर्ड है, यहाँ पर आपका सीपीयू लगा होगा। तो मैंने जैसे कि बोला आपको, कम से कम दो थर्मल रजिस्टर तो मिनिमम होते ही, एक आपका होगा चार्जिंग सेक्शन में और एक होगा आपके सीपीयू के सेक्शन में, ठीक है, एक होगा चार्जिंग सेक्शन में और एक होगा सीपीयू के सेक्शन में। तो जो ये थर्मल रजिस्टर लगा होगा वो कनेक्टेड होगा सीपीयू के साथ ही, ठीक है, सीपीयू के साथ ही कनेक्टेड होगा। अर्जुन जी फिर से माइक अनम्यूट हो गया आपका, मतलब क्या हो रहा है? अभी तो मैंने सर एयरफोन भी खोल दिया मैंने, ये ऑटोमेटिक क्यों खुल रहा है पता नहीं सर, ये ऑटोमेटिक हो रहा है सर। मतलब भाई आज आप अनम्यूट ही कर दो, एक बार आप लॉग आउट होकर लॉग इन कर लो वापस से अगर कुछ ऐसा आ रहा है सर। परमानेंट म्यूट नहीं, फिर वो म्यूट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो रजिस्टर है थर्मल रजिस्टर, ये आपके बोर्ड के टेम्परेचर को सेंस करता है, मतलब आपका जो बोर्ड मोबाइल का बनाया जाता है या कंपनी ने जो बनाया हुआ होता है उसकी एक टेम्परेचर को सेंस करने की, एक टेम्परेचर में काम करने की, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। मान के चलिए आपके मोबाइल का बोर्ड 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना। हमारा जो बोर्ड है वो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। अब सीपीयू 40 डिग्री में आपको फोन को प्रॉपर वर्किंग में रखेगा, कोई एरर नहीं देगा। ये जो रजिस्टर लगे हैं ये आपके टेम्परेचर को सेंस करके बताते हैं कि आपके बोर्ड का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ये रजिस्टर जैसे मान के चलिए पीटीसी आपका है और एनटीसी है, दो तरह के रजिस्टर होते हैं। पीटीसी हमेशा सीरीज में होता है और एनटीसी हमेशा पैरेलल लगा होता है।
तो पीटीसी एनटीसी हमारा काम किस तरह करता है, मान के चलिए मैं भी इसको हटा देता हूँ। जो हमारा एक पीटीसी रजिस्टर लगा होगा, यहाँ पर रजिस्टर की एक वैल्यू होगी, मान के चलिए ये हमारा एक पीटीसी का रजिस्टर है और इसकी जो वैल्यू है वो है 20 के ओम्स, 20 के ओम्स, ठीक है, 20 किलो ओम्स का ये रजिस्टर आपका लगा हुआ है। अब ये 20 किलो ओम्स का रजिस्टर कब रहेगा, जब आपके बोर्ड का एक मिनिमम टेम्परेचर होगा और एक मैक्सिमम टेम्परेचर के हिसाब से इस रजिस्टर की वैल्यू सेट होती है। मान के चलिए हमारा बोर्ड का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस, और इसका मैक्सिमम जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस जो कि होता है, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस। लखन जी माइक म्यूट कीजिए, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस आपके बोर्ड का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब अगर 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे रजिस्टर की वैल्यू सेट की हुई है 20 किलो ओम्स, ठीक है ना, 20 किलो ओम्स आपके रजिस्टर की वैल्यू है 5 डिग्री सेल्सियस पे, पीटीसी रजिस्टर है अगर आपका, तो जब हमारा मान के चलिए ये टेम्परेचर बढ़ा, बोर्ड में थोड़ी सी हीटिंग हुई, कहीं पर शॉर्टिंग की वजह से भी हो सकती है, किसी अदर सेक्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके बोर्ड का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा कि 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 20 किलो ओम्स, ये हुआ आपका 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी। पीटीसी में जैसे जैसे आपके बोर्ड के रजिस्टर का सॉरी बोर्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा उसी हिसाब से आपके रजिस्टर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, ये इसके जो हीट होगा, हीटिंग की वजह से रजिस्टर की जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें वेरिएशन आएगा, वो चेंज होगा, मतलब 10 पे ये एक एग्जांपल मैं मानता हूँ वो हो गया 25 के ओम्स का, ठीक है। अब यही हो गया आपका 20 का, ठीक है, 20 बोर्ड का टेम्परेचर हुआ 20 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी 30 के ओम्स, ठीक है। अब सीपीयू को पता लग रहा है कि हमारे रजिस्टर की वैल्यू कितनी जा रही है, सीपीयू को ये नहीं पता लग रहा कि बोर्ड हमारा गर्म हो रहा है या नहीं गर्म हो रहा, वो इस रजिस्टर को देखेगा कि इसकी वैल्यू कितनी। अब एक समय ऐसा आया कि आपके बोर्ड का टेम्परेचर हो गया 41 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका 40 से ज्यादा सीपीयू फोन ऑन को नहीं रखेगा, उसका मैक्सिमम जो बर्दाश्त करने का है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही 41 पे पहुंचा इस रजिस्टर की वैल्यू उसके 41 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से सेट होगी कि अगर बोर्ड का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस गया तो आपके रजिस्टर की वैल्यू जाके 35 के ओम्स हो जाएगी, कितनी, 35 के ओम्स। सीपीयू क्या देखेगा, आपके रजिस्टर की वैल्यू, अगर ये 35 के ओम्स का रजिस्टर उसको थर्मल मिला, उसको पता लग जाएगा कि बोर्ड का टेम्परेचर 40 पार हो गया, ठीक है। जब उसको ये पता लगा वो सीधा एरर देगा, आपके स्क्रीन पे एरर देगा, योर टेम्परेचर डिवाइस टेम्परेचर इज टू हाई, आपका फोन 1 मिनट में बंद कर दूंगा। सीपीयू आपको स्क्रीन पे बताएगा कि आपका टेम्परेचर हाई है, बोर्ड का टेम्परेचर हाई हो गया है, अब मैं 1 मिनट के अंदर अंदर डिवाइस आपकी डैमेज ना हो इसके लिए मैं फोन को बंद कर दूंगा। सीपीयू क्या करेगा, ऑटोमेटिक शटडाउन मोड में पूरे फोन को लेके जाएगा, वो आपके बोर्ड में कुछ और नुकसान ना हो इसलिए उसको सेफ रखने के लिए
फोन को बंद करवा देगा। मतलब पीटीसी रजिस्टर है आपकी वैल्यू को प्लस होगा, जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी शिफ्ट मतलब बढ़ती जाएगी, वहां पे वेरिएशन होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना टेम्परेचर मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करेगा और रजिस्टर भी अपनी जो वैल्यू है उसको वहां पे पहुंचा देगा जहां पे सीपीयू को पता लग जाएगा कि हमारे बोर्ड का टेम्परेचर मैक्सिमम से ओवर हो गया है, तो वो फोन को शट डाउन कराएगा और आपके फोन के स्क्रीन पर लिखा आएगा योर टेम्परेचर इज टू हाई। ठीक है, तो ये अभी जो नए लोग हो आपको समझ में आया? अंकित सर जी सर, ये जो मतलब जैसे 20K का ये रजिस्टर लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी जैसे 25 या 30 में? हाँ जी, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाए, बढ़ के ये 25 और 30 और 35 चली जाएगी? हाँ, ऐसे चली जाएगी बढ़ के। ये जो थर्मल रजिस्टर होते हैं ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, उनकी वैल्यू घटती बढ़ती है। टेम्परेचर टू हाई का जो प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि इसके लिए ये रजिस्टर जिम्मेवार नहीं होता। अभी अभी आपका जो सवाल है आपको ठीक है, आपका जो टू हाई का सवाल है वो उसका जवाब यही है कि ये रजिस्टर जवाबदार होता है, लेकिन ये रजिस्टर सिर्फ 10% जवाबदार होता है, 90% अदर दूसरी कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं अभी उसमें भी आऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपके इस रजिस्टर का वर्किंग कैसा है, ये किस तरह से वर्क करेगा। जी सर, अगर आपको पहचानना है पीटीसी कैसे वर्क करता है वो। हाँ, मैं अभी उस पे भी आऊंगा। इसी में इसी का एनपीसी इसी का अपोजिट हो जाता है ना सर? हाँ, वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं चलिए ये आपको क्लियर हुआ कि हमारा पीटीसी वैल्यू बढ़ा देता है और उस वैल्यू को देख के रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से सीपीयू को पता लगता है कि हमारे बोर्ड का टेम्परेचर क्या है। तो जो थर्मिस्टर का मेन काम है वो आपके बोर्ड के टेम्परेचर को सेंस करके आपके सीपीयू को इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब आता है आपका पीटीसी। अब आता है आपका एनटीसी। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। अब यहां पर देखो एनटीसी है तो कैसा होगा आप तो यार अर्जुन जी, आप तो आज आपके माइक से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अंकित सर किसी और को बना दीजिए ना होस्ट, कोस्ट वो बंद कर देंगे इनको ना। चलिए आप आपको ये फिर बना देते हैं। ये ऑटोमेटिक कर रहा है सर जी। हाँ कोई बात नहीं, अब क्या करूं, इसलिए तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। प्रॉब्लम है, उसका सलूशन कल ढूंढेंगे कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। अर्जुन भाई कोई समस्या वाली बात नहीं, आप एक बंदा रख दिया आपके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। अर्जुन भाई थोड़ा ख्याल रखिए बस। अभी हम आते हैं एनटीसी पे। ठीक है ना, एनटीसी हमारा क्या है? देखिए मैंने बोला पीटीसी रजिस्टर होगा वो आपको सीरीज में लगा होगा। एनटीसी रजिस्टर अगर आता है मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अगर नेगेटिव है तो कहां पर होगा? पैरेलल लगा होगा। ठीक है, अभी सीरीज और पैरेलल वैसे तो सब लोगों को पता होगा, लेकिन दो चार लोग जो नए हैं हो सकता है ना पता हो। सर मेरे को थोड़ा मालूम कम है पैरेलल सीरीज। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, उस पर भी चलूंगा। अभी फिलहाल इतना ही ले लो कि ये पैरेलल लगा होता है एनटीसी रजिस्टर, जैसे मैंने आपको पीटीसी में बताया। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका मान के चलिए एनटीसी हमेशा हाई वैल्यू ही, दोनों ही हाई वैल्यू होते हैं। अगर एनटीसी रजिस्टर हमारा 30K ओम्स का है, ठीक है, 30K ओम्स का है, ये भी टेम्परेचर को ही सेंस करेगा। ठीक है, किसको?
जो भी टेम्परेचर मान के चलिए आपका 5 to 5 मिनिमम 5 और मैक्सिमम जो है 14, ठीक है। अब यहां पर किस तरह से वर्क होगा, जैसे जैसे हमारे बोर्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसा जैसा बढ़ेगा इसकी वैल्यू घटेगी। जैसे आपका टेम्परेचर बोर्ड का बढ़ेगा उसी हिसाब से इसकी वैल्यू हमेशा घटती जाएगी। 20 K ohms एक समय ऐसा आएगा कि ये 40 डिग्री पार होगा और फिर सीपीयू को थर्मल का रजिस्टर मिलेगा 10K का, जो कि इसका मिनिमम वैल्यू सीपीयू को पता लगेगा। सीपीयू अगर थर्मल के उसको पता है कि हमारा 30K से 10K आ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया और मैक्सिमम को क्रॉस कर गया, वो सीधा फोन को एरर देगा आपके स्क्रीन पर, योर टेम्परेचर इज टू लो, ठीक है। अब यहाँ पर लो और हाई का एरर आता है आपको फोन के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं होता कि फोन हमारा ठंडा गर्म हो रहा है, मतलब वो हीट ही होगा, दोनों में ही हीट होता है, वो हीटिंग को ही सेंस करता है, लेकिन एनटीसी और पीटीसी के हिसाब से रजिस्टर की वैल्यू घटती या बढ़ती है। अगर बढ़ती है तो हाई का एरर देता है, घटती है तो लो का एरर देता है, क्योंकि सीपीयू को लो रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। ये अभी आप लोगों को समझ में आया, एनटीसी और पीटीसी ये क्लियर हो गए आपके रजिस्टर? हेलो जी सर, ये जो पीटीसी है ये मतलब आपका उसमें सीरीज में होगा और जो एनटीसी है ये पैरेलल होगा? हाँ, ये पैरेलल लगे होते हैं अधिकतर। अगर ये खराब हुआ सर, ये रजिस्टर खराब नहीं होता है क्या कभी? होता है ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं होता, होता है। अभी वहां पे अभी ये देना तो समझ में आ गया ना कि एनटीसी पीटीसी हमारा काम कैसे करता है। हाँ सर, हाँ सर। अब थर्मल रजिस्टर को आप पहचानोगे कैसे बोर्ड के ऊपर, ये भी तो जरूरी है ना। मैंने कल के क्लास में आप लोगों को रजिस्टर दिखाए थे, ठीक है। हम थर्मल पहचानने के दो तरीके हैं, या तो आपके पास सिस्टमेटिक है तो वहां पर जो मैंने आपको डिनोटेड लेटर सिंबल उसके बताए हैं उसके हिसाब से आप सिमेटिक को देख सकते हो और वहां पे सर्च कर सकते हो TH करके, T से TR या RT करके, वहां पे जब सर्च करोगे तो जहां जहां पे भी इस नाम के कंपोनेंट होंगे। NTC, PTC कैसे पता चलेगा सर कि NTC है या PTC है? पहली बात तो आपको बोर्ड पे एरर ही देख लो क्या आ रहा है, हाई का आ रहा है या लो का, तुम्हें सीधा पता लग जाएगा, इसीलिए तो बताया ज्यादा दूर सोचने की जरूरत ही नहीं है। NTC और PTC में क्या लगा हुआ है, बोर्ड खोलना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, एरर देख के ही पता लगना चाहिए कि क्या है। मैंने ये बोला NTC पे टेम्परेचर लो का एरर आएगा, PTC पे टेम्परेचर हाई का एरर आएगा। अभी 70% से ज्यादा, मतलब मोबाइलों में 70% NTC यूज होते हैं, सैमसंग के फोनों में अधिकतर NTC ही यूज होते हैं, आपको वहां पर 2 high का एरर बहुत, मतलब जितने भी फोन आते हैं उसमें से 10 फोन में आपको अगर 2 high का एरर आता है तो 50 फोन में आपको 2 low का एरर ही मिलता है। बताइए, सब लोगों ने देखा होगा ज्यादातर बैटरी जब खराब होता है तो उसमें टेम्परेचर टू लो लिखता है, वहां पे NTC है, ठीक है। अभी अगर लो है, देखिए आपको सीधा पता होना चाहिए, अगर लो लिखा हुआ आ रहा है मतलब वो NTC है, हाई लिखा हुआ आ रहा है वो PTC है, आप सिर्फ एरर देख लोगे, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सर जो चार्जिंग एरर देता है इसी वजह से है क्या? हाँ, चार्जिंग में भी एरर आता है। मैंने क्या बोला पहले कि आपको मिनिमम 2 थर्मल मिलते हैं, एक आपको चार्जिंग सेक्शन में और एक आपको सीपीयू के पास,
कम से कम ये दो तो मिलते ही है हर फोन में, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 5A में जो टेम्परेचर टू लो लिख के फोन ऑफ होता है तो उसको बिना बैटरी चेंज किए हुए ठीक किया जा सकता है कि नहीं सर? अगर बैटरी में प्रॉब्लम है तो फिर बैटरी ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्मल तो बैटरी में भी होता है। बैटरी के पहली क्लास में शायद आप थे कि नहीं थे, वहां पे भी मैंने बोला था टेम्परेचर का एक पॉइंट ही होता है। हाँ सर, वहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए मतलब क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं सर कि वहाँ पर जहाँ डाउट होता है उसको क्लियर करते जाएंगे सर तो ठीक। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होता है बैटरी में कई बार टेम्परेचर टू हाई या रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है, उसमें थर्मल बाईपास कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो। जी सर, बहुत सारे फोन में किए हैं उसमें। हाँ, होता क्या रीस्टार्ट होता है। हाँ रीस्टार्ट होता है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने उसको बाईपास कर, ठीक है, पर उससे क्या होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। डिपेंड ये होता है, हाँ उतनी समय के लिए आपका वो सॉल्व हो जाता है, फोन ऑन हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, वो अलग मैटर हो गया, लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। अभी कोई रिटर्न लेकिन आया नहीं है सर। हाँ नहीं, नहीं आया, अच्छी बात है। मेरी बात सुनिए, नहीं आया अच्छी बात है, क्योंकि बैटरी का मैटर है तो वहां पे नहीं आया, पर ऑन बोर्ड में आते हैं। अब वहां पर डिपेंड होता है कि प्रॉब्लम कितनी खराब है या कितनी। मैंने जैसे पहले बोला कि हमारे थर्मल रजिस्टर 10% खराब होते हैं, पर 90% एरर किसी दूसरी वजह से आता है वहां पे, ठीक है। तो 10% केसेस में हो सकता है रजिस्टर खराब है, आपने उसको और बाईपास किया या वहां पे चेंज किया, आपका प्रॉपर वर्किंग करेगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर में प्रॉब्लम नहीं है, आपने उस रजिस्टर को बाईपास कर दिया, तो भी आपको वो एरर चला जाएगा। पहले सोल्यूशन होता था भाई वो रजिस्टर को निकाल दो, सैमसंग के फोनों में अधिकतर बाईपास ही करवाते हो, थर्मल को ढूंढो और बाईपास कर दो, एरर चला जाएगा। पर अंकित सर जी, टेम्परेचर टू हाई और टेम्परेचर टू लो दोनों कंडीशन में फोन हीट होगा सर? हाँ दोनों ही कंडीशन में ही हीट होगा, ठीक है। सर अगर बूट में हीट होगा तो एनटीसी और पीटीसी को देखना होगा ना सर? हाँ सर, अगर हीट होने के बाद ये इस तरह का मैसेज नहीं दे टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर टू लो तो क्या प्रॉब्लम होता है सर? तो किसी ऐसे सेक्शन में हीट हो रहा है जहाँ पे थर्मल नहीं लगा है, या वो हीट थर्मल तक पहुंच ही नहीं रही है। थर्मल का लाइन नहीं जा रहा हुआ तो बैटरी कनेक्टर से थर्मल लाइन देने से जम्पर देने से हो जाएगा सर? लोग तुक्का क्यों लगा रहे हो? ठीक है, अभी अभी पहले पूरा सुनो क्लास को, उसके बाद सवाल बनाओ, ठीक है। अब मैं आता हूँ, एनटीसी पीटीसी सबका क्लियर हो गया कि हमारा वो वर्किंग किस तरह से करता है। दूसरा हमारा क्या है, मान के चलिए एक हमारा एक सर्किट बना हुआ है यहाँ पर, चलिए मैं बनाता हूँ आपको। ये हो गया आपका बैटरी का कनेक्टर, ठीक है। यहाँ से पहला कोई एक आईसी ले लो, डीसी टू डीसी ले लो, सीपीयू ले लो या जो भी है ले लो चार्जिंग सेक्शन के लिए। यहाँ से क्या होगा, एक मैं एक एग्जांपल के लिए सर्किट बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको कंपोनेंट लगे होंगे, कैपेसिटर भी लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये और भी सारे डायोड लगे होंगे, कुछ अलग अलग सर्किट बनेगी, देखो मैंने यहाँ पे दो थर्मल बना दिए, ठीक है ना, एक
समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो थर्मल लगा दिए, ठीक है, दो थर्मल रजिस्टर आपके यहाँ पे लग गए। अब आपके बोर्ड के ऊपर मान के चलिए ये रजिस्टर हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ एनटीसी लगा हुआ है, ये रजिस्टर हमारा खराब हो गया थर्मल, क्या होगा, ग्राउंड को शॉर्ट करके सीपीयू को पहुंचा देगा, इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। ग्राउंड के साथ शॉर्ट होने की वजह से, ये रजिस्टर में प्रॉब्लम होने की वजह से इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। अगर रजिस्टर खराब है तो हो सकता है आपका बोर्ड हीट ना हो। मैंने पहले आपको ये बोला कि सीपीयू हीट को नहीं सेंस करता, सीपीयू इस रजिस्टर की वैल्यू में जो भी वेरिएशन आता है उसको देखता है। सीपीयू को ये पता है कि इसका एक्चुअल जो है वो 30 किलो ओम्स का रजिस्टर है ये, और उसको ये पता है कि अगर ये 10 किलो ओम्स का गया मतलब आपके बोर्ड के ऊपर प्रॉब्लम है, वो फोन को बंद करवा देगा। वो उसको ये समझ में आएगा 10 किलो गया मतलब हमारे बोर्ड का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सीपीयू के आंच नहीं लगती उसको, वो सिर्फ इंडिकेशन को पहचान रहा है इस रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से, उसको वो उस वैल्यू को देख के अंदाजा लगाता है मतलब कि हमारे बोर्ड का ये कंडीशन, ये सिचुएशन अभी बोर्ड के ऊपर बनी है, तभी ये रजिस्टर हमारा इस तरह की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू शिफ्ट हुई, घटी या बढ़ी। अब उस कंडीशन में अगर ये रजिस्टर खराब है, आपने निकाल दिया और या इसको चेंज कर दिया, क्या होगा, आपके फोन का एरर चला जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन और हो सकता है फोन भी वापस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन 10% बनती है। मैंने जैसे बोला कि रजिस्टर 10% खराब होता है, 90% क्या होगा, अगर ये कैपेसिटर है आपके चार्जिंग सेक्शन पे या वीवेट लाइन पे, ये हमारा वीवेट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे वीवेट बना रखा है, अगर ये कैपेसिटर लीक हो गया, क्या कैपेसिटर में लीकेज कंडीशन आई या ये खराब हुआ, ये कैपेसिटर लीकेज में गया या ये खराब हुआ, मतलब क्या होगा, कैपेसिटर अगर लीक हुआ या शॉर्ट हुआ तो आपका बोर्ड गर्म होगा, ठीक है, बोर्ड आपका गर्म होगा, वो किसी भी लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है, वीवेट में, वीरज में, वीपीएच में, कहीं पे भी 1.8 पे, 1.0 पे, किसी भी लाइन पे शॉर्ट हो सकता है। अगर वो शॉर्ट है और उस शॉर्टिंग की वजह से आपके बोर्ड का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, मान के चलिए ये कैपेसिटर गर्म हुआ और इससे नजदीक में ये जो है थर्मल लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर बोर्ड से सेंस तो करेगा ना, ये अगल बगल में है, तो अगर इसका टेम्परेचर का को इस रजिस्टर ने सेंस किया, इस टेम्परेचर, इस बोर्ड, इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से जो टेम्परेचर बोर्ड का बढ़ा वो इस रजिस्टर ने देखा, उसकी वजह से इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई, इसने क्या किया, अपनी वैल्यू को चेंज किया। जब इसने अपनी वैल्यू चेंज किया तो जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर शॉर्टिंग के हिसाब से, उस हिसाब से इसकी वैल्यू में वेरिएशन आएगा और एक समय जो लास्ट स्टेज होगी वहां पे पहुंचेगा, उसके बाद सीपीयू एरर देगा, योर टेम्परेचर टू हाई या टू लो एनटीसी पीटीसी के अकॉर्डिंग। अब उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हो, इस रजिस्टर को बाईपास कर देते हो, ठीक है, रजिस्टर को बाईपास कर दिया मतलब अब सीपीयू को ये नहीं पता लगेगा कि हमारे रजिस्टर की वैल्यू क्या है, उसे ये पता लगेगा यहाँ पे थर्मल नहीं है, सब कुछ ओके। फिर ये तो सर इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग थर्मल को ढूंढेंगे और इस उस एरिया का हीटिंग सेक्टर को चेक करेंगे सर। हाँ क्योंकि वो ठीक अपने, है, सही सोच रहे हो आप, वही करना होगा, अपने अपने आसपास के कंपोनेंट कौन सा हीट हो रहा है उसको चेक करना है सर। हाँ बिल्कुल, यही होता है रिपेयरिंग का फंडा।
चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने इस थर्मल को रिमूव कर दिया, उसके बाद आपको वो एरर चला गया, प्रॉब्लम आपको लगा के सॉल्व हो गया, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, सिर्फ आपका वो एरर चला जाता है और सीपीयू को अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती वो आपके फोन को बंद नहीं करता, फोन आपका चलता है, लेकिन हीटिंग तो फिर भी होगी क्योंकि वो अदर कंप्यूटर शॉर्ट है, सॉरी कंपोनेंट शॉर्ट कर रहा है, तो हीटिंग तो फिर भी होगी। अब उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि ये कैपेसिटर कितना बीमार है या ये डायोड कितना बीमार है, कितना लीक कर रहा है, कितना खराब है। अगर ये ज्यादा लीकेज है, ज्यादा खराब है, तो हो सकता है कि आपका फोन ओवरहीट में चलता रहे। अब ओवरहीट में चल रहा है मतलब वो 2 घंटे चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, 2 महीने चल सकता है या 2 साल चल सकता है, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर छोटा मोटा लीकेज है हो सकता है वो महीना 2 महीना चल जाए, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था जो बोर्ड को लगातार हीट करवा रहा था तो कस्टमर 2 घंटे बाद फिर आएगा और बोलेगा पहले तो एरर आ रहा था, लो अभी बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, हो सकता है वो 2 दिन के बाद आए, लेकिन हाँ अगर वो 2-3 दिन के बाद आया तो 100% वो बंद फोन लेके ही आएगा कि अब ये सही हो गया, क्योंकि आपने उतनी समय उसके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था उसको काट दिया सीपीयू का। अगर आपको बोर्ड में हीटिंग नहीं दिख रही है, कहीं पर नॉर्मल सब कुछ है, टेम्परेचर नॉर्मल है और रजिस्टर चेंज करने के बाद आपका या बाईपास करने के बाद में एरर चला जाता है, मतलब आप श्योर हो ठीक है देर चलेगा। लेकिन अगर वो थर्मल रजिस्टर चेंज होने के बाद में भी आपका बोर्ड में हीटिंग है तो फिर आप उसको पहले ढूंढो, उसकी शॉर्टिंग को देखो, थर्मल रजिस्टर और सॉर्टिंग दोनों को ढूंढने का सेम तरीका है इस एरर में, क्योंकि जब हम एरर देखते हैं कि हमारा एरर हाई या लो का एरर दे रहा है फोन, तो हम पहले ये चेक करते हैं कि हमें नहीं पता थर्मल कहाँ है, सिमेटिक कहाँ है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा बोर्ड हीट होना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला कंडीशन हमारा वो होता है, जिस जगह से वो गर्म होना स्टार्ट होगा मतलब थर्मल भी उसी के आसपास में कहीं ना कहीं लगा होगा। ठीक है, अब उसको पहचानने का तरीका, थर्मल को आप पहचानोगे कैसे? तो मैंने कल बताया था रजिस्टर की जो हाइट होती है बिल्कुल कम होती है, ठीक है ना, मान के चलिए रजिस्टर जो होगा हमारा इस तरह से है, मैं इसको बना देता हूँ, ये लो ऐसा रजिस्टर में हमारे क्या होगा, ऊपर में दोनों साइड में सिल्वर लाइन होगी, इधर भी और इधर भी, बीच का ऊपर का जो बॉडी का सतह है वो होगा ब्लैक। ठीक है, और जो उसका साइड नीचे का पैड मान के चलिए ये हो गया जो टच होगा बोर्ड के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से मोटा कर देता हूँ। ठीक है, और जो दीवार होगी मतलब जितना उसका हाइट ऊंचा हुआ है उसके जो साइड से आप उसको बोर्ड को तिरछा करके देखते हो तो ये पट्टी नीचे का जो पोर्शन है वो व्हाइट होता है, रजिस्टर में सिर्फ ऊपर का जो छत है वही ब्लैक होता है, बाकी का व्हाइट होता है,
नॉर्मल जो आपके मोबाइल के बोर्ड के ऊपर एसएमडी रजिस्टर लगे होते हैं। अब थर्मल में क्या होता है, थर्मल थोड़ा सा हाइट में भी ज्यादा हो सकता है, मतलब जैसे कि इंडक्टर की तरह उसकी हाइट भी ज्यादा हो सकती है। और थर्मल रजिस्टर हमेशा उसके चारों तरफ से आपको साइड में व्हाइट पट्टी दिखेगी, ठीक है ना, सिल्वर लाइन ही दिखेगी, लेकिन बॉडी उसको रजिस्टर को किधर से भी घुमा दो, नचा दो थर्मल को, उसके चारों तरफ ब्लैक ही होगा कॉइल की तरह। जिस तरह आपका कॉइल होता है उसी तरह आपका थर्मल होगा जो चारों तरफ से ब्लैक होता है, ठीक है। तो बोर्ड के ऊपर आप अभी मेरे पास एक ये थर्मल का पिक पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखो, ये जैसे ये ऊपर का हिस्सा हो गया थर्मल का, तो ये अगर आप इसको किधर से भी घुमाओ ये चारों तरफ आपको ब्लैक ही दिखेगा। लेकिन अगर ये रजिस्टर होता तो ऊपर के साइड में सिल्वर लाइन, ये ऊपर का फर्श जो है वो होता आपका ब्लैक में, ठीक है ना। ये अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये होगा आपका ब्लैक, ये व्हाइट, ये सिल्वर, सॉरी ये सिल्वर, लेकिन ये जो साइड का हिस्सा होगा ये वाला, ये आपको व्हाइट होगा। नॉर्मल रजिस्टर को आप बोर्ड को, कोई भी सबके पास बोर्ड है तो आप चाहे तो रजिस्टर को बाहर रिमूव करके देखो या थोड़ा सा बोर्ड को तिरछा करके देखो, आपको यहाँ का हिस्सा जो है वो व्हाइट दिखेगा, ऊपर का जो फर्श है वो आपको ब्लैक दिखेगा। लेकिन थर्मल में आपको ये कॉइल जैसा ही होगा, इसमें आपको चारों तरफ से कैसे भी घुमा लो पूरी बॉडी इसकी ब्लैक ही होगी। ये पूरी तरह से कॉइल की तरह ही दिखता है नहीं सर? जी हाँ, लेकिन साइज कॉइल की बहुत बड़ी होती है, इनकी कॉइल के टक्कर में उतना बड़ा नहीं होता मोबाइल पे, रजिस्टर से ही जैसा होता है हल्का फुल्का नॉर्मल 19-20 का फर्क होता है। आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो पता लगेगा, हो सकता है आंख से पता ना लगे। इसका जो कलर होता है ना सर, पूरा ब्लैक नहीं होता? देखिए वो ब्लैक पूरा नहीं होता, हल्का सा ब्राउन के टाइप का कुछ होता है, लेकिन उसको आंख से देखने पे वो ब्लैक ही दिखता है, ठीक है। अभी अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है तो मेरे पास तो बोर्ड नहीं है, अगर अभी राजेश सर होंगे तो आपको कंफर्म करवाएंगे इसके बारे में कि जब आपको इसे चेक करना है तो राजेश सर करके भी आपको दिखा देंगे किसी टाइम में अगर फ्री रहेंगे। आपको सीधा मल्टीमीटर रखना है दोनों सिरों पे, ओम्स की रेंज में इसकी वैल्यू को शिफ्ट कर लो, मतलब वो सेट कर लो मल्टीमीटर को, दोनों हिस्सों पे आप मल्टीमीटर का प्रोब लगा दो और एसएमडी से हल्का हल्का उस पर हीट करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे उस पर हीट मारोगे ना, कन्फर्म करने के लिए कि थर्मल ही है या नहीं, उसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। थर्मल रेजिस्टेंस का चेकिंग यही है सर? हाँ यही है, ठीक है, मतलब वो या तो उसकी वैल्यू को घटाएगा या बढ़ाएगा अगर उस पे हीट करते हो तो। राजेश भाई हो क्या आप? नहीं है सर। नहीं है। इस पे सर कुछ लिखा होता है थर्मल पे? नहीं, नॉर्मल रजिस्टर जैसा ही, एसएमडी रजिस्टर जैसा ही होता है मोबाइल के बोर्ड पे। जी जी, मोबाइल के बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा होता, मोबाइल के बोर्ड पे प्योर थर्मल नहीं होता। इसको कंटिन्यूटी मोड में चेक करना है क्या? नहीं, ओम्स की रेंज में। रजिस्टर को हम कैसे चेक करते हैं? ओम्स की रेंज में। मैं भी चेकिंग पे भी आऊंगा, रजिस्टर को चेक कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चेकिंग का तो लाइव प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा मैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लाइव तो कल ही चेक हो पाएगा, अभी ऐसा और आगे बढ़ता हूँ। थर्मल में तो अभी डाउट नहीं है, थर्मल का वर्किंग, थर्मल का काम और थर्मल की प्रॉब्लम, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई ना, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
चलिए अब आते हैं हम रजिस्टर को यूज, मतलब जो हमारा रजिस्टर का है वो बोर्ड के ऊपर किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, रजिस्टर का यूज जो मोबाइल के बोर्ड पे यूज होता है, रजिस्टर का मोबाइल के बोर्ड पे। देखिए रजिस्टर का मेन काम तो आप लोगों को पता है कि वो, मैंने पहली क्लास में बताया कि वो आपके इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट को पैदा करता है, मतलब उसका इनपुट आउटपुट हमेशा सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। लेकिन अभी मोबाइल के बोर्ड पे रजिस्टर हमारा किस किस तरह से किस रूप में कैसा उसकी सर्किट बना के यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, पहला होगा वोल्टेज डिवाइडर के रूप में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ये वोल्टेज को रेगुलेट करवाता है। थर्मिस्टर का यूज आपको पता लगा दिया, पहले ही बता दिया है। नॉर्मल जो रजिस्टर है उनके लिए, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर में रजिस्टर का जो यूज होता है वोल्टेज को कम करवाने के लिए, जो हम रजिस्टर को यूज करते हैं वहां पर हम उसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है ना, वो एक तरह का आपका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका पुल अप के लिए, तीसरा होता है वैदुर जी अपना माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, दूसरा होता है आपका पुल अप और पुल डाउन। अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमारी किस तरह से वर्क करती है, सबसे पहले मैं देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमारा किस तरह से वर्क करता है। सर वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज डिवाइडर उसी को बोलते हैं क्या? वोल्टेज रेगुलेटर कई तरह के होते हैं, आप लोगों की क्लास हो चुकी है विकास जी वोल्टेज रेगुलेटर की जी, सब कुछ फिर भी बोल जाते हो। नहीं सर, वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज डिवाइडर उसी को बोलते हैं क्या, ये हम पूछ रहे हैं सर। नहीं, वोल्टेज रेगुलेटर मैंने बोला कई तरह का होता है, और वोल्टेज रेगुलेट जब हम रजिस्टर लगा के वोल्टेज को रेगुलेट करवाते हैं उस सर्किट को वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। नहीं सर, पुल अप पुल डाउन वहां भी होता है ना सर? हाँ, पुल अप पुल डाउन तो वहां पे भी बोल सकते हो, लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर मतलब दो रजिस्टर यूज हो गए, पुल अप और पुल डाउन सर्किट पे सिंगल रजिस्टर से काम चलता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर हमेशा मिनिमम कम से कम दो रजिस्टर लगाने पड़ते हैं। नहीं तो ये वोल्टेज डिवाइडर हम नहीं पढ़े सर, चलिए आज क्लियर कर लेंगे। अब हमें वोल्टेज डिवाइडर, जैसे मैंने अभी बताया वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमारा किस तरह से बनता है और किस तरह से वो यूज होता है। मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए, कोई एक बैटरी है आपके पास, चाहे वो मोबाइल की ही बैटरी हो, ठीक है ना, ये हमारे मोबाइल की बैटरी है, इसमें आपको एक पॉइंट है प्लस का, दूसरा है माइनस का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि एक हमारा प्लस का लाइन आउट होगा जहां पर एक रजिस्टर लगा, और उसके बाद ये वोल्टेज आगे बढ़ा। तो अगर ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी, मैं मान लेता हूँ 9 वोल्ट की, ठीक है, इसको एक 9 वोल्ट की बैटरी बना देते हैं, तो इस रजिस्टर पे वो वोल्टेज कितनी होगी, इसका इनपुट आपको जितना भी है वो रजिस्टर के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे,
मैं यहाँ पर इस रजिस्टर को मान के चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ 10 देता कितना 10 किलो ओम्स का। दूसरा, अब यहाँ पे जब ये 10 के ओम्स का रजिस्टर लगा तो वोल्टेज यहाँ पे कितना आउट होगा, मिनिमम आपको 9 वोल्ट की अगर बैटरी है तो ज्यादा से ज्यादा 8.9, उससे ज्यादा नहीं कम करा सकता, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ज्यादा नहीं होगा, वो आपको पता भी नहीं लगेगा, मतलब आपको 9 वोल्ट के आसपास ही यहाँ से आउट होगा इसका आउटपुट यहाँ। लेकिन अब अगर इसे हमें रेगुलेट करवाना है, अगर आप किसी भी बैटरी का सिर्फ प्लस किसी को दे दो वो वर्किंग आएगा नहीं, वहां पे वोल्टेज को एक्टिव करवाने के लिए आपको माइनस की जरूरत होती है। यहाँ पर क्या होगा कि हम फिर एक रजिस्टर और लगेगा और वो रजिस्टर आपको किसके साथ, उसका एक हिस्सा कनेक्ट होगा माइनस के साथ, ठीक है, इस रजिस्टर का जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, मतलब एक रजिस्टर आपका ग्राउंड हो गया और एक आपका प्लस हो गया। मान के चलिए जो ग्राउंड है तो हमेशा HVR ही होगा, LVR तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर LVR होगा तो वोल्टेज ग्राउंड में घुसा देगा सारी, तो यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर लगा दिया 30 के ओम्स का एक रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ से एक वोल्टेज, ये कोई भी एक IC है, मान के चलिए यहाँ पे कोई भी एक IC है जिसको कुछ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो उसे 9 वोल्टेज नहीं चाहिए, वोल्टेज कम करवा के आपको उसे देना है, तो ये जो रजिस्टर वहां पे लगे होंगे ना वो उस वोल्टेज को घटाएंगे, इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज घटेगी, लेकिन वोल्टेज पर जो आउटपुट पॉइंट होगा इन दोनों रजिस्टर के बीच से होगा, कहाँ से, मतलब यहाँ से होगा, क्योंकि अगर आउटपुट यहाँ से दिया तो पूरा 9 वोल्ट आउट होगा, अगर यहाँ से दिया तो ग्राउंड है, दे नहीं सकते, आउटपुट कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा 20 से। अब इसको अगर आपको यहाँ पर देखना है, आपको इसी तरह की सर्किट दिखेंगी, मोबाइलों पे भी दिखेगी, लैपटॉप पे भी दिखेगी, हर जगह ऐसी सर्किट बनी होगी, वहां पे कोई वोल्टेज नहीं लिखा होगा, सिर्फ इनपुट वोल्टेज दिखाएगा, इनपुट वोल्टेज दिखाएगा और फिर उसका आउटपुट क्या है वो आपको कैलकुलेट करना होता है फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पर क्या होता है, ये जो रजिस्टर है, अगर अब इसका नाम हमें रजिस्टर R से डिनोट किया जाता है, आपको यहाँ पर होगा R1, दूसरा रजिस्टर होगा जो लाइन के इनपुट पे पहला रजिस्टर होगा वो होगा R1, दूसरा होगा R2, नाम, ये इसका नाम हो, ठीक है, दो रजिस्टर यहाँ पे लगे। अब हमें इधर का आउटपुट वैल्यू देखना है, मतलब इसकी वैल्यू को हमें चेक करना है, तो क्या हमें क्या फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वोल्ट वोल्ट इन मैंने ये अलग अलग लिखा वोल्ट इन इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इस तरह का फॉर्मूला आपको लगेगा। अब अगर हमें इसका आउटपुट वोल्टेज देखना है, मतलब वोल्ट इन इनपुट वोल्टेज, इनपुट कहां पर हो रहा है, इस रजिस्टर वोल्टेज जो इन हो रहा है हमें वो देखना है, तो इनपुट वोल्टेज हमारा कितना है, 9 वोल्ट इनटू R2 माइक म्यूट कीजिए, जोर भाई माइक म्यूट कीजिए, सर मुझे बना दीजिए कोस्ट, ठीक है, क्या होगा वोल्टेज जो R2 रजिस्टर है, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखा है, वोल्ट इन इनटू R2, R2 का मतलब हो गया 30 किलो ओम्स, कितना 30 के ओम्स का ये रजिस्टर है, इनटू कितना होगा 30 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R1 कितना है
10 के का प्लस आर टू 30 कितना होगा 9 × 3 = 27 270 भागे सॉरी 40 40 अब ये कितना वोल्टेज यहां से कितना वोल्टेज बनेगा 0 से 0 गया अब यहां इस पॉइंट का आउटपुट कितना होगा 6.75 मतलब आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगी 6.70 के आसपास की वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगी तो ये लिखा नहीं होगा लेकिन इस फॉर्मूले से आप उसका वोल्टेज निकाल सकते हो कि उसका इनपुट आउटपुट कितना होगा अब अगर और भी घटाना है ठीक है ना वोल्टेज को और घटाना है इन रजिस्टर की वैल्यूओं को आप बढ़ा दो इस रजिस्टर की वैल्यू को मैंने कर दिया 30 पहले को दूसरे को कर दिया 60 ठीक है दूसरे को कर दिया 60 के ओम्स का अब यहाँ पर क्या होगा यही फॉर्मूला सेम लगेगा मतलब 9 × 60 प्लस 30 प्लस 60 9×54 540 ही होगा ना डिवाइडेड बाई 90 एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया बढ़ेगी उस तरह से वो वोल्टेज को घटाता जाएगा तो ये होता है इसका फॉर्मूला अभी आप लोगों को समझ में आया आज का इसमें कि हम इसको किस तरह से फॉर्मूला लगा के वोल्टेज डिवाइडर से उसकी वोल्टेज को देखते हैं सर थर्मल की टेस्टिंग दिखानी हो तो दिखा देंगे अभी टेस्टिंग कल लाइव से प्रैक्टिकली हो जाएगा कल सारे रजिस्टर को चेक करके दिखाएंगे अभी नहीं अभी तो है मेरे पास अगर थर्मल दिखाना वो कल दिखा देना है सर वो आपके पास रख रहो वो कल हम रजिस्टर को भी सारे रजिस्टर चेक करवाएंगे खाली प्रैक्टिकल ही होगा चेकिंग का तो क्योंकि आज तो ये खत्म ही नहीं हो पाया ना दो दिन तो हो गए रजिस्टर में अभी कल भी आज मैं सोच रहा हूँ ये थ्योरी तो खत्म हो जाए अभी पुल अप पुल डाउन बाकी है वोल्टेज डिवाइडर ही अटके हैं और दूसरी क्लास का भी सब अभी ये इसमें जो भी नए लोग जुड़े हो जो पुराने वाले हैं उन लोगों का तो हो गया है एक एक दिन दो दो तीन तीन बार हो गया है आप लोगों को समझ में आया जो भी नए लोग जुड़े हो समझ में आया तभी हाँ बोलना नहीं आया है तो कोई जल्दबाजी नहीं है सर एक बार वो फिर से रिपीट कर रहे थे किस चीज का रहे थी ये डिवाइडर बोलते देखिए अगर हमें वोल्टेज डिवाइडर को बनाना है ठीक है बैटरी का एक वोल्टेज आपको कोई भी इनपुट वोल्टेज है ठीक है ना वो कहीं से भी आ रहा है वो एक रजिस्टर पे गया
उसके बाद एक दूसरा रजिस्टर लगा के दूसरा रजिस्टर आपका ग्राउंड करवा दिया। ठीक है, पहला हो गया आपका आर वन, दूसरा हो गया आपका आर टू। पहले की वैल्यू हमने डाल दी 100 के, दूसरे की वैल्यू हमने डाल दी 200 के। ये अभी एक 15000 डाल दिया। इसका इनपुट वोल्टेज मैंने बना दिया 9 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट हमेशा दोनों रजिस्टर के बीच से बनेगा। अब यहाँ का आउटपुट कितना होगा वो आपको अगर देखना है तो आपको इस वोल्टेज डिवाइडर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वोल्टेज इनटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। मतलब आपको अगर एक आउटपुट चाहिए तो, अगर एक वो आउटपुट चाहिए रेगुलेटर का वोल्टेज कम का, तो वहां पे दो रजिस्टर यूज होंगे। दो वोल्टेज आउट करवानी है अलग अलग, तीन वोल्टेज आउट करवानी है अलग अलग, चार वोल्टेज एक ही लाइन से, आपको सिर्फ रजिस्टर बढ़ाते जाने हैं। अगर रजिस्टर बढ़ता जाएगा वोल्टेज घटती जाएगी और उसके उतने ही आउटपुट पॉइंट बनते जाएंगे। मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे चार पांच रजिस्टर नहीं लगाया है, सिर्फ दो लगा रहा हूँ, एक सिंगल आउटपुट आपको बना के दिखा रहा हूँ। मतलब 9 वोल्ट प्लस आपका फॉर्मूले के हिसाब से आप सेट कर लो, क्या वोल्ट इन 9 वोल्ट इनटू 100, ओ सॉरी 200 के लगाया है 200। इसको डिवाइड आर वन प्लस आर टू 100 प्लस 200 बराबर 9 × 2 = 1800। कितना आउटपुट बना? 3 × 6 = 18, 6 वोल्ट। ठीक है, अभी अगर आपको एक रजिस्टर और बढ़ाना है, कभी भी याद रखो जिस आउटपुट जिस पॉइंट से आपको आउटपुट लेना है उसके आगे वाले रजिस्टर को आप वोल्टेज के साथ इनटू करोगे। ठीक है, जहां से आउटपुट बनता है उसके आउटपुट के जो बाद में जो रजिस्टर आता है, मतलब उस रजिस्टर से आपको वोल्टेज को इनटू करना होता है। अगर मुझे यहाँ पे और एक आउटपुट और चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर और बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर और लगा दिया, इसको ग्राउंड करवा दिया। ठीक है, अब यहां से एक आउटपुट आपका और बना, एक आउटपुट आपका और बना, इस रजिस्टर को नाम हो गया आर थ्री। वैल्यू कितनी हो गई, कुछ भी डाल देते हैं हम, 150। ठीक है, 150 के का एक रजिस्टर और डाल दिया। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा? मैंने क्या बोला कि जो आउटपुट आपको देखना है उसके बाद जो रजिस्टर आता है उसके साथ आपका वोल्टेज इनटू में जाएगा, मतलब डिवाइड होगा। तो अब हमें यहाँ पर आर टू नहीं होगा, अगर ये इसका आउटपुट देखना है तो आर थ्री होगा। ठीक है, क्योंकि पहले का आउटपुट ये बन रहा है तो उसके नीचे आपको आर टू लगा हुआ है, तो इसके साथ डिवाइड करना है तो पहले का आउटपुट दिखाएगा, और जब उसके नीचे वाले का आर थ्री के साथ डिवाइड करोगे तो दूसरा आउटपुट दिखाएगा।
ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये फॉर्मूला किस तरह से सेट होगा आपको, वो फॉर्मूला होगा आपका, अगर दो इनपुट आपको लेने हैं तो वोल्टेज इनटू आर थ्री डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तीनों की वैल्यू जुड़ जाएगी, तीनों की वैल्यू जुड़ेगी नीचे, लेकिन डिवाइड आपको आर थ्री के साथ होगा। अब यहाँ पर हम अगर आर थ्री के साथ इसको डिवाइड करते हैं, नौ वोल्ट को नौ इंटू 150, कितने हो गए 1350, 1350 ही होंगे ना, तो बोलो भाई कोई। हाँ सर। अभी तीनों को जोड़ दो कितने होंगे, 100, 200, 300 हो गए, 400, 450 हो गए। एक जीरो से एक जीरो गया, अब इसको भाग दो कितना बचा, कितना आएगा सर, एक मिनट, चलो यहाँ पे मैं इसको 135, कितना वोल्ट यहाँ का आउटपुट होगा, तो इस तरह से आप वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला यूज करके उस लाइन के सारे आउटपुट को चेक कर सकते हो। वेद जी अभी समझ में आया, जी सर, सर एक जानकारी चाहिए था, मैं इसीलिए बोल रहा था अपनी क्लास में अपने क्लास का सवाल पूछो, ठीक है। अभी भाई मैंने क्लास जो हुई थी आप